नमस्कार, मैं हूं कंचन। रेसिपी प्लानर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेसन की बर्फी बनाएंगे। इसे आप किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। बेसन की बर्फी बहुत जल्दी बनती है और हर किसी को बहुत पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें सामग्री भी बहुत कम लगती है और सारी सामग्री हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और अब इसके अंदर डालेंगे 400 ग्राम चीनी और इस कप से 2 कप है और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसी कप से 1 कप पानी डालेंगे या फिर जितनी चीनी घुल जाए उतना पानी डाल दीजिए। अभी पानी को अच्छे से उबाल आने देते हैं। पानी और चीनी को उबाल आ गया है, चीनी अच्छे से घुल गई है। अभी इसको दूसरी गैस पे धीमी आंच पे रखते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक साइड में हमारी चाशनी बन रही है और फिर से मैंने एक और कढ़ाई ली है। अब इसके अंदर डालेंगे 200 ग्राम घी। आप घी की जगह वनस्पति घी भी ले सकते हैं या फिर आधा घी और आधा वनस्पति घी भी ले सकते हैं। अभी घी गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर डालेंगे 300 ग्राम बेसन और बेसन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसको लगातार चलाते रहिए, बीच में रुकना नहीं है, रुकेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। शुरू में हिलाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बेसन भूनते जाएंगे ये सॉफ्ट होता जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये कैसे पतला हो गया है। अभी इसको लगातार चलाने के बाद ये ऐसे हो जाता है और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये देखिए, ये फ्लफी सा बन गया है, कैसे फूल रहा है। इसका कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बेसन की बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है, इसका मतलब अभी बेसन भून गया है। जब ऐसे हो जाता है तो इस समय गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद और 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चलाते रहना है ताकि घी गर्म होता है उसकी वजह से ये जल सकता है। गैस बंद करने के बाद और 4-5 मिनट इसको मैंने भुना है और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी इसको रूम टेम्परेचर पे 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं और अभी मैं इसमें येलो कलर डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। येलो कलर की जगह 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं और आप कलर नहीं भी डालेंगे, हल्दी भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इसका येलो कलर आ गया है। मेरे पास लेमन येलो कलर था, वो मैंने डाला। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और हम चाशनी चेक कर लेते हैं। लगभग चाशनी भी बन चुकी है। चाशनी में भी बिल्कुल थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं लास्ट में ये तार पकड़ रहा है, हाथ में लेके भी ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये तार पकड़ रहा है। जब ऐसे हो जाए तो अभी गैस बंद कर देते हैं और अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा बेसन और चाशनी दोनों तैयार हैं। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा बेसन भी ठंडा हो गया है। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये चाशनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हो गया है। ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तब ये और गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद हम इसको प्लेट में डाल देंगे। तब तक एक प्लेट को हम घी लगा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है अभी और पूरा कढ़ाई भी छोड़ रहा है। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता कट करके लिया है, ये इसके ऊपर डालेंगे। इसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसको कट करेंगे। ये देखिए, ये अभी जम गया है। अभी हम इसकी बर्फी कट करते हैं। इसके अलावा और भी बर्फी, लड्डू, मिठाई, नमकीन, हर तरह की रेसिपीज हमारे चैनल पे है, तो आप वो भी देख के बना सकते हैं और बनाने के बाद कमेंट कर भी ज़रूर बताइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ और अंदर से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी लग रही है। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और अगली रेसिपी कौन सी बनानी है ये भी बता सकते हैं।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।